अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुड़म्बा, तो चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ 1 किलो तोता पैरी कैरी ले ली हूँ और उसे इस तरह कट कर ली हूँ। कलौंजी, जीरा, लाल मिर्ची, धनिया, इन तीनों को रोस्ट करके दरदरा पीस ली हूँ। काला नमक, सौंफ, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। मैंने यहाँ 1/2 किलो गुड़ ले ली हूँ और एक गांव का मेरे पास गुड़ था तो मैंने इसमें इसे मिक्स कर दी हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ एक बर्तन ले लूँ, उसे हाई फ्लेम पे गर्म होने रख दी हूँ। हम इसमें डाल देंगे ये कटी हुई कैरी। हम इसमें डाल देंगे 2 ग्लास पानी। मिनट तक हम इसे ढककर पकाएंगे। 5 मिनट हो गए, हम इसे खोल के देख लेते हैं। देखिए हमारी कैरी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। अब इसे चला लेंगे और उसे 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। मैंने यहाँ 1/2 किलो गुड़ ली हूँ क्योंकि तोता पैरी कैरी ज्यादा खट्टी नहीं होती है। अगर आपको ज्यादा गुड़ डालना हो तो आप डाल सकते हो। 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए अब हमारी कैरी भी सॉफ्ट हो गई है और गुड़ भी अच्छी तरह से घुल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कलौंजी, 1/2 टेबल स्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सौंफ। हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और स्लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। हम इसे बीच बीच में 2-3 बार चला लेंगे ताकि नीचे चिपके नहीं। और माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग भी ज़रूर इसकी रेसिपी ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी ये गुड़म्बे की रेसिपी कैसी लगी। देखिए अब हमारा गुड़म्बा बनकर तैयार है और जो भी मसाले हमने इसमें डाले थे उन सब की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और 10 मिनट बाद इसे निकाल देंगे। देखिए अब गुड़म्बा बनकर तैयार है और माशाल्लाह ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी गुड़म्बे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।